नंबरिंग के बारे में, ठीक है जी। नंबर्स को बोलते हैं चाइनीज चाइनीज वर्ड्स में शूजा, ठीक है, शूजा। और अब लिखते हैं जीरो के लिए देते हैं लेम लेम वर्ड, वन के लिए ई, टू के लिए आ, थ्री सा, फोर सा, ठीक है। फाइव के लिए करें वो, सिक्स के लिए करें लीव, सेवन के लिए करें छः, और एट के लिए करें पाँच। अब तो हम दस पूरे किए लेकिन एलेवन किस तरह लिखेंगे, एलेवन इस हिसाब से लिखेंगे, मतलब ये हो गया शर्ट ठिन हो गया, और हम इससे एक प्लस करेंगे जिस तरह हमने इसमें लिखते हैं टेन प्लस वन तो इलेवन हो गया, इस हिसाब से हम करेंगे शर्ट ई ये इलेवन हो गया। इलेवन हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं शर्ट ई ई ये इलेवन हो गया, तो इस हिसाब से हम जाएंगे शर्ट ई शर्ट अर शर्ट सन शर्ट सा। फिर हम ट्वेंटी की बात करेंगे, ट्वेंटी की बात करेंगे अर से शुरू करेंगे अर, लेकिन इसमें शब्द हम करेंगे अर शब्द ट्वेंटी हो गया, अर शब्द ई ट्वेंटी वन, अर शब्द अर ट्वेंटी टू, ठीक है। इस हिसाब से हम चलते हंड्रेड तक हम चल सकते हैं, नाइनटी हो गया, मतलब ट्वेंटी से अर से शुरू किया, फिर सन से शुरू किया, सन शब्द ई सन शब्द अर, तो हम हंड्रेड तक पहुँच गए। अब हंड्रेड के लिए क्या होती है, हम खेलते हैं फाइव, जब हंड्रेड हम लिखते हैं तो उसके लिए होता है ई फाइव, ठीक है। जैसा कि हम लिखते हैं एक सौ पाँच लिखते हैं, किस तरह लिखेंगे, ई हंड्रेड के लिए ई लफ्ज और फाइव लगते हैं, सॉरी ई फाइव वो, ठीक है, ई ई हंड्रेड के लिए फाइव, फाइव के लिए वो E5 वो। इस तरह हम फिर थाउजेंड के लिए क्या लिखते हैं, छिया, और टेन थाउजेंड के लिखते हैं वन। अभी आप जेन में बेस हो इस तरह के हजार से ऊपर हो या मतलब टेन थाउजेंड से हो तो बताइए भी आपको चेंज हो में लिखते हैं फाइव थाउजेंड, फाइव थाउजेंड, फाइव थाउजेंड, बारह, फाइव थाउजेंड, 12,000 हम कुछ इस तरह लिखते हैं अर शब ई, सॉरी 20 हम लिखते हैं, फिर लिखते हैं शब अर शब अर, फिर हम लिखते हैं 12 शब अर 1000 है ना, तो वहाँ लिखेंगे शब अर वहाँ, फिर दूसरा प्लेस है सब स्प्रेड तो हो गया, आर वन नहीं है ना,